अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, स्वागत है आपका मेरे अपने चैनल आसमास किचन में। तो आज हमारे किचन में बनने वाली है माश की दाल। तो यहाँ पर हमने एक कप माश की दाल ली और इसे 3 से 4 घंटे पहले पानी में भिगा के रख दिया था। इसे आप ओवरनाइट भी भिगा सकते हैं और फिर आप इसे सुबह नाश्ते में बना सकते हैं। यहाँ 2 मीडियम साइज के टमाटरों को बारीक काट लिया है, 2 मीडियम साइज की प्याज इसे भी बारीक काट लिया है, 4 से 5 साबुत हरी मिर्च लेंगे, 1 टेबल स्पून अदरक और लहसुन का पेस्ट, 1 टेबल स्पून कसूरी मेथी और यहाँ पर हमने 1/2 टीस्पून नमक, या नमक आप अपने टेस्ट के हिसाब से कम ज्यादा कर सकते हैं, 1/4 टीस्पून पिसा हुआ गरम मसाला, 1 टीस्पून पिसी हुई लाल मिर्च, 1/2 टीस्पून हल्दी पाउडर और 1/4 टीस्पून हींग। हींग का फ्लेवर माश की दाल में बहुत अच्छा आता है तो आप यहाँ पर हींग जरूर डालें। तो चलिए शुरू करते हैं हम इसे पकाना। तो सबसे पहले हम यहाँ एक बर्तन में 2 कप पानी डाल के दाल को गला लेते हैं। दाल को हम मसाले के साथ भी गला सकते हैं लेकिन दाल मैश हो जाएगी। तो यहाँ दाल को हमें खिली हुई रखना है तो दाल को हम अलग उबालेंगे। तो यहाँ 2 कप पानी डाल दिया है और अब ये दाल को डाल देंगे। गैस को हम यहाँ थोड़ा सा मद्दा रखेंगे और इसे ढांक देंगे और ढांक कर हम दाल को अच्छी तरह गला लेंगे। दाल को हमें यहाँ गलाना है, इसे हमें खिली हुई रखना है, दाल को हमें मैश नहीं करना है। दाल को थोड़ा सा ध्यान से ही गलाएं। दाल को उबालने के टाइम पे जो ये फेन आता है इसे हम चम्मच से इस तरह हटाते जाएंगे। गैस को हम यहाँ थोड़ा सा मद्दा कर देंगे और यहाँ हम ये फेन को हटाते जाएंगे। दाल को यहाँ हम थोड़ा सा चेक कर लेते हैं। तो दाल को हम यहाँ चम्मच में इस तरह उठाएंगे और हाथ से हम इस तरह इसे मसलता देखेंगे। दाल यहाँ अच्छी तरह गल गई है, जैसी दाल हमें चाहिए थी वैसी दाल गल चुकी है। तो गैस को कर देंगे हम यहाँ बंद और इसका पानी हम हटा देंगे और कर लेते हैं हम तड़के की तैयारी। एक कढ़ाई में 1 बड़ा चम्मच तेल डालकर गरम कर लिया है। अब डाल देंगे हम ये हींग और ये प्याज डाल देंगे। प्याज को हम यहाँ गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई कर लेंगे। प्याज जब अच्छी तरह फ्राई हो जाए तो अब डाल देंगे हम इसमें ये हरी मिर्च। हरी मिर्च को थोड़ा सा फ्राई करने के बाद में अब डाल देंगे अदरक और लहसुन का पेस्ट। अदरक और लहसुन को थोड़ी देर फ्राई करने के बाद में अब डाल देंगे ये सारे सूखे मसाले। टमाटर डाल देंगे बारीक कटे हुए। थोड़ी देर इसे अच्छी तरह भून लेते हैं और टमाटर जब थोड़े से गल जाए तो अब डाल देंगे इसमें हम ये कसूरी मेथी। अब डाल देंगे इसमें हम ये दाल। गैस को हम यहाँ थोड़ा सा तेज कर लेंगे और इसे अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। गैस को हमने यहाँ बिल्कुल मद्दा कर दिया है। अब हम इसे ढांक देंगे और ढांक कर हम इसे 4 से 5 मिनट पका लेते हैं ताकि दाल में मसाले अच्छी तरह रस बस जाए। 5 मिनट ढांक के पकाने के बाद में माश की दाल बनकर तैयार है। गैस को कर देते हैं हम बंद और इसे कर लेते हैं डिश आउट।